नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सपा नेत्री सुषमा सिंह ने राष्ट्रपति संबोधित पीएम को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी प्रदेश महासचिव महिला की समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची सपा नेत्री ने कहा कि यूक्रेन के मौजूदा हालात बेहद खराब हैं। वहां हजारों भारतीय छात्र भूखे प्यासे रहकर बंकरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। यूक्रेन की सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही और न रूसी सैनिक उन पर कोई रहम कर रहे। सुषमा सिंह का कहना है कि ऐसे में हमारी केंद्र सरकार को फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर पहुँचाने के लिए जल्द से जल्द इंतजाम करें। टिडाइन क्या बंधन है आप? देखिए, जो भारत देश के छात्र यूक्रेन में और उनके आसपास के अन्य देशों में MBBS करने के लिए गए थे, पढ़ाई करने गए थे, उन देशों पर हमला हुआ है और जिस वजह से वो लोग बहुत संकट में हैं। माता पिता भी सभी के परेशान हैं। कन्नौज जनपद के जितने भी छात्र थे उनसे मैं मुलाकात करके आई हूँ। कुछ छात्र आ गए हैं और कुछ अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं। तो भारत सरकार से मेरी ये अपील है कि वो सभी छात्रों को सुरक्षित रूप से वापस बुलाएं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।